टॉपिक मैटर में मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा। आज हम चंपावत में हैं और चंपावत जिले के बीजेपी कार्यालय में हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी हैं। तो सर से यहाँ पे जानते हैं कि सदस्यता यहाँ पे अभियान का आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी को संगठन का जब गठन करते हैं तो उसे पर्व के रूप में मनाते हैं, और उससे पहले हम सदस्यता सभी के लिए ओपन करते हैं और सदस्यता का सभी को एक मौका देते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 8800002024, तो वो उस नंबर के माध्यम से हम जो है सब मिस कॉल, और जब हम मिस कॉल करेंगे तो मिस कॉल से एक लिंक आएगा और लिंक में उसका डिटेल भरा जाएगा, और डिटेल भरने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन जाएगा, और मेंबर बनने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारी विचारधारा से हमसे जुड़े हुए कितने पूरे देश के अंदर लोग हैं। हम तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ने यहाँ पे बताया कि आज इसका आयोजन यहाँ पे सदस्यता क्यों किया गया, सदस्यता का आयोजन क्यों किया गया। तो ना एक क्वेश्चन है सर से कि अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो सर यहाँ पे हम एक बार, आपने अभी राष्ट्र सुरक्षा की बात की, तो मैं आपसे राष्ट्र सुरक्षा को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वैसे बहुत सारी बीजेपी द्वारा या फिर कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसके द्वारा सर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बहुत कहते हैं। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक और हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेटियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आपकी सरकार द्वारा क्या ठोस ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे आने वाले टाइम में, जैसे अभी हमें यहाँ पे, मैं चंपावत में हूँ, चंपावत में आए दिन मैं यहाँ पे खबरें बनाती हूँ तो यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, महिला अपराध बलात्कार कह सकते हैं या फिर हम दहेज उत्पीड़न कह सकते हैं, तो महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को लेकर क्या ठोस कदम आपकी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी का केवल नारा या जुमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको चरितार्थ करती है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है, उसी का परिणाम है मैंने जो अभी काम आपको गिनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी मातृशक्ति के साथ खड़ी है, पूरी जोश से खड़ी है, और जो हमारी धामी जी की सरकार चल रही है उनका एक ही नारा है, हमारी बेटियाँ को सरकारी नौकरियाँ मिले, हमारी बेटी का सम्मान हो और हमारी बच्चे आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ हमेशा धामी जी सबके साथ खड़े।